Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we are going to discuss the question answers of 10th Standard Science 1 Chapter Number 3 Chemical Reactions and Equations. Chemistry ka lesson hai students here. Recall ke questions hum dekh lenge. What is meant by valency of element? तो वैलेंसी क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट व्हेन एन एलिमेंट व्हेन एटम ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अवे और टेक अप, ओके, दूसरे एलिमेंट का वो जब एटम को ले लेता है या फिर दे देता है, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी. जस्ट विल डिस्कस द रिकॉल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे जस्ट स्लाइड अप करेंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए समराइज्ड हैं, सेम आपकी जो टेक्स्ट बुक में कॉन्टेंट है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये वही है, बट इसे थोड़ा सा समराइज किया है. सो दोज ऑफ यू हु वांट टू मेक योर ओन नोट्स कैन जस्ट सिंपली कॉपी डाउन नोट्स फ्रॉम हियर एंड मेक इट एज पर यू. And stay in the video because at the end of the summarized notes, we are going to discuss the question answers. So we'll see these question answers. Now let's see the question answer students. आपके ऑब्जेक्टिव के आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं. वीडियो को थोड़ा सा जूम आउट रखता हूँ स्टूडेंट्स, जिससे आप फास्ट एंड फॉरवर्ड मैनर में अपने टेक्स्ट बुक में इन आंसर्स को मार्क कर सकें, लिख सकें. Once we complete with the objective, we are going to discuss some important and difficult questions. After these objectives, we will see the question answers. आप लोग आंसर्स यहाँ से कॉपी करते जाओ स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर देख लेना अच्छे से. आपके अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपडेटेड हैं, सो आप वहाँ से भी जाकर अपने नोट्स अलग सब्जेक्ट के कवर कर सकते हो. What is meant by chemical
रिएक्शन. सो जब भी कोई दो सब्सटेंस या किसी सब्सटेंस में किसी तरीके का ब्रेकिंग या फिर ट्रांसफॉर्मिंग चल रहा होगा तो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं. सो जस्ट गो ऑन सीइंग दिस. पॉज कर करके आप अपने नोट्स को भी कंप्लीट करते रहें साथ साथ में स्टूडेंट्स. Now let us see some brief questions. मैं simply video को slide up करते जाता हूँ students, और आप लोग pause करके उसे लिखते जाओ. तो फिर video अगर long हो जाता है तो आप ही लोगों के comments आते हैं कि video बहुत ही long है, आपको answers फटाफट मिल नहीं रहे हैं. ये केमिकल इक्वेशंस आप अच्छे से देख लो स्टूडेंट्स. जब भी आप आंसर लिखो और उसमें कहीं भी 1% चांस है डायग्राम्स बनाने के लिए, तो जस्ट आप डायग्राम्स बना लो. डायग्राम्स बनाने से आपके आंसर्स और भी कंप्लीट हो जाते हैं. इफ़ सपोज कोई पॉइंट आपका मिसिंग है तो आपके आंसर को भी एज अ पॉइंट कंसिडर किया जाएगा और आपके मार्क्स गारंटीड मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेंट, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल. सो ऑक्सीडेंट यानी कि हवा में आसपास जो ऑक्सीजन होता है उससे इंट्रैक्ट करके उसकी कंडीशन बताना.
अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके हमें आपके और भी एजुकेशनल डिमांड्स के बारे में बताते रहें। कई सारे आंसर्स को यहाँ पर ट्विस्ट अप करके दिया है बिकॉज चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो क्वेश्चन आंसर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बट ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले हैं। ये सारे केमिकल इक्वेशंस आपको बहुत ध्यान से पढ़कर याद करके रखना बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स। आइडेंटिफाई ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। सो जो टेबल दिया है उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। सो आप उसे नोट डाउन कर ले। अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लेटर्स क्लियरली नहीं दिख रहे होंगे स्टूडेंट्स, सो आप रेजोल्यूशन में जाके वीडियो के रेजोल्यूशन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, उसका पिक्सल रेट बढ़ा के, जिससे let's see the next one. Also students, at the end of this video I will provide you some extra question answers which you can write down and practice in your books, so that we'll come to know that what are your weakness. Here is a project. If you are very curious, तो आप ये project कर सकते हैं थोड़ा और extra information gain करने के लिए। चलो एक बार हम लोग memory map देख लेंगे। So इसका memory map कुछ इस तरीके से है, जो जो important concept है उसे समझाया गया है। अगर आपको video helpful लगा तो please channel को like करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके आपके और भी डिमांड्स बताते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।